हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मौसमी मिनी पार्क से और उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद आज मैं फिर से अपनी गार्डन की वीडियो लेकर आई हूं और आजकल मैं थोड़ी इरेगुलर हो गई हूं और इसका कारण है मैं आजकल बहुत बिजी चल रही हूं क्योंकि जाने की टाइम आ गई है नज़दीक और बहुत सारी पैकिंग वगैरह ये सब लेकर मैं बहुत ही बिज़ी चल रही हूँ और इस बीच काफ़ी सारे काम मेरे गार्डन का भी कर लेना पड़ रहा है। तो इसमें से एक काम तो ये है, मेरे जो अपरजेते के प्लांट आप देख सकते हो, हम बेंगलीज इसको कहते हैं नीलकंठो फूल गाछ। ये प्लांट मेरा 2 साल पुराना एक प्लांट है और ये अलग जगह पे था और इस बार मैंने इसको अलग जगह पे रख दिया है और इसका रिपोर्टिंग भी किया है और इस चक्कर में इस प्लांट को मुझे लगभग आधा हिस्सा कट कर देना पड़ा और फिर इसकी न्यू ग्रोथ अभी आई है और देख सकते हो काफ़ी सारे फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। और इस जगह पे मेरे एक मधुमालती के बेल भी लगी है और इसको भी मुझे रिपोर्ट करना है और इसका जगह भी बदलना है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास काफ़ी सारे बेल वाले फूलों का पौधा है और सारे प्लांट्स को मैं रिपोर्ट कर रही हूँ इन दिनों और किसको किस जगह पे ग्रो करना है वो तो सोचने वाली बात है, जो कि मैं लौटने के बाद सोचूंगी। फ़िलहाल तो मैं इसकी अच्छा खासा देखभाल कर रही हूँ, मतलब जिसको रिपोर्टिंग की ज़रूरत है उसको रिपोर्टिंग कर दिया है, काफ़ी सारा प्रूनिंग वगैरह किया है, तो ये सब चल रहा है। और इस बीच एक खुशी की बात मैं शेयर करना चाहती हूँ, तो इतने दिनों तक मैं दिखाया नहीं आप सबको, तो आज मैं दिखाने वाली हूँ। मेरे गार्डन पर एक डव फैमिली रहते हैं और वो हर साल अंडे छोड़ते हैं मेरे हैंगिंग बास्केट पे और नतीजा ये कि वो अंडे ख़राब हो जाते थे, लेकिन इस बार ये शेड के नीचे एक छोटू सा घोंसला बनाया है वो देख सकते हो, और तो और 2 बच्चे भी हुआ है और वो बच्चे काफ़ी बड़ा हो गया है और आज मैं देख रही हूँ वो सब उड़ना प्रैक्टिस कर रहे हैं। कि ओरा एखन জল খাবে নাকি দিয়ে রাখছি না জল জাস্ট পেয়ে যায় চলো মাটা আছে না বাচ্চাটা মাটা মাটা বাসা বাসা পাহারা দিচ্ছে আর বাচ্চাগুলো এখানতে পুরো ভর্তি করে দাও বাস 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 এই বাইরে পড়ে যাচ্ছে এই যো তোমরা জল খেও আমার দাদা দিয়েছে জল বুঝেছো আর ওদের মামমাম চলে গেছে ওরে বাবা এক্ষুনি কি খাবে নাকি আমি দেখতে পাচ্ছি ওরা উপরে বসে আছে তুমি দেখো এখানে দাঁড়াও এখানে দাঁড়িয়ে দেখা যাচ্ছে যে উপরে বসে আছে দেখো আর মেরে টায়ার প্ল্যান্টার ও বাপাস লটা হ্যাঁ দেখ সকতে হো ফিলহাল কোই প্ল্যান্ট নেহি হ্যায় উস পে সিওয়াই পার্পল হার্ট কে আর সামার গার্ডেন পে কাফি সারা ডেকোরেশন মেনে সোচ লিয়া হ্যায় वो सब लौटने के बाद धीरे धीरे होंगे। मेरे सारे जो जैस्मिन के प्लांट है उसका रिपोर्टिंग किया है और प्रूनिंग भी करा दिया है और न्यू ग्रोथ पे है अभी। और ये है वो चमेली के प्लांट जिसको मैंने अभी रिपोर्ट किया है और काफ़ी सारे मेरे हरी मिर्च के पौधे जो ऊपर लिटिल टेरेस पे था वो सब मैं नीचे शेड वाले जगह पर लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत सारे इस पर फ्रूटिंग हो रहे हैं। और इधर एक ट्रांसपेरेंट क्या कहते हैं उसको ऊपर शीट है जिसके वजह से थोड़ी बहुत रोशनी आते हैं, तो मेरे ना रहने से मेरे प्लांट्स ख़राब ना हो इसके लिए काफ़ी सारा बंदोबस्त मैंने कर लिया है। तो देखते हैं आखिरकार क्या होते हैं। और ये है मेरे एक डबल चांदनी, डबल पटल वाले चांदनी और काफ़ी सारे बर्ड्स इसमें देख सकते हो और ये खिलने पर देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन खिले तब ना काफ़ी सारे इसकी जो बर्ड्स है वो झड़ भी जाते हैं। और ये मेरे जो क्या कहते हैं धतूरे पिंक कलर के, वो तो पॉइजनस है, किसी ने मुझे बताया था तो मैंने इसको छुपा कर रख दिया था, लेकिन फ़िलहाल मैं शेड के नीचे रख दिया है। तो काफ़ी सारे प्लांट ऐसे होते हैं
हमारे गार्डन पे, जो पेट के लिए, बच्चे के लिए बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही पॉइजनस होते हैं। तो जैसे कि ओलियंडर, मैं बहुत पसंद करती हूँ ओलियंडर, लेकिन ओलियंडर भी बहुत ही पॉइजनस है। कनेर और डफिन बकिया, तो बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो बहुत ही पॉइजनस होते हैं। तो बहुत ही ध्यान से उसको लगाना चाहिए, खासकर घर में अगर पेट हो या फिर बच्चे हो। तो कुछ दिन पहले सीमा दी आई थी और काफ़ी सारे प्लांट्स लेकर आई थी। ये सारे के सारे मिर्च के पौधे सीमा दी के गार्डन की है और सीमा दी ही लगा कर गई है। और इस बॉटल में पानी के अंदर देख सकते हो, ये पोटैटो वाइन की दो सूखे ब्रांच में रख दिया था, तो इस पे रूट बने हैं। मच्छर अंडे ना दे पाए तो इसलिए कपड़ा डाला है बॉटल के मुंह पे। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं बोलती हूँ ना कि मेरे जाने के बाद मेरे गार्डन की जो देख रेख वो गोपा करेगी, तो गोपा आज आई हुई है और मुझे ये पूछ रही थी पौधों को कैसे पानी देना है। पौधों को हर रोज़ तो नहीं देना है, शेड वाले प्लांट्स को। ये जो प्लांट्स मैंने शेड में रख दिया है, काफ़ी सारे प्लांट्स मैंने अभी शेड में रख दिया है, तो ये शेड वाले प्लांट्स को हर रोज़ पानी नहीं देना है। तो एक दिन अच्छे से पानी देना है, उसके बाद आप चेक करना इसकी मिट्टी। अगर देखते हो कि मिट्टी सूख गए हैं तभी दोबारा पानी देना। और जो नहीं देना है, ऊपर जो टेरेस में है उस पर हर रोज देना, हर रोज देना है। फिर भी जो बड़े बड़े प्लांटर है उस पे तो हर रोज नहीं सूखने वाले है, तो अब चेक कर लेना कि मिट्टी सूखे है या नहीं। अगर सूख जाए तभी दोबारा पानी देना। पानी ना देने से प्लांट तो मरते हैं, लेकिन ज्यादा पानी से भी प्लांट मर जाते हैं, तो ये ध्यान में रखना है बस। तो देखते हैं, गोपा को तो काफ़ी सारा ट्रेनिंग दे चुकी हूँ मैं, तो देखते हैं मेरे लौटने के बाद कौन कौन सी प्लांट्स अच्छे रहते हैं। तो सीमा दी ये बटन रोज ये भी लाई थी और ये सीमा दी ने कटिंग से ग्रो किया है। सीमा दी के गार्डन पे काफ़ी सारे ये रोज प्लांट हैं और मेरे लिए लाई थी। और एक सरप्राइज की बात ये है कि हमारे वैकेशन पे हमारे साथ जा रहे हैं हमारे प्यारे सीमा दी। तो दोनों समधन जी मिलकर बहुत धमाल मचाने वाले हैं। काफ़ी साल हो गए दोनों मिलकर घूमने गए थे और इस बार वापस से जा रही हूँ, और इस बार हमारे परिवार हमारे साथ है, लेकिन सीमा दी के फैमिली नहीं जा रहे हैं, केवल सीमा दी जा रहे हैं। तो ये जो मेरे बेगम बहार प्लांट है ना, ये वो मेरे गार्डन की उस वाली कॉर्नर पे था और बहुत धूप देख सकते हो उस कॉर्नर पे, तो ये प्लांट ख़राब हो रहे थे, तो मैंने इसका जगह बदल दिया है। और मेरे ऊपर लिटिल टेरेस पे काफ़ी सारे ओलियंडर थे जो कि धूप के मारे सूख रहे थे, तो मैंने इसको नीचे लेकर आई हूँ ताकि गोपा को इकट्ठा ये सारे प्लांट्स मिलने पर पानी देना आसान रहे। और इसकी जो फ्लावरिंग का जो सुख वो भी हम सब ले सके, क्योंकि अभी तो इस पर काफ़ी सारे फ्लावरिंग होने वाले हैं। और फ्रेंड्स, एक बात और वो है, घूमने जाने से पहले गार्डन रिलेटेड वीडियो शायद ये लास्ट होगा, और इसके बाद मैं जो वीडियोस डालने वाली हूँ वो मेरे घूमने जाने से रिलेटेड होगा। तो थोड़ी बहुत इधर भी मेरे मौसमी मंडल चैनल पर भी डालूँगी, और ज़्यादातर मैं रियांस किंगडम मेरे जो दूसरा चैनल है उस पर डालूँगी। तो आप सब अगर वो सारे वीडियोस को एंजॉय करना चाहते हो तो रियांस किंगडम को ज़रूर फॉलो करना। तो होप करती हूँ ये वीडियो आप सब ने पसंद किए हो, हालांकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर पसंद किए हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर से मिलते हैं, ओके बाय, टाटा।